पौड़ी के प्यासू गांव के ग्रामीणों और दलित समाज से जुड़े लोगों ने पौड़ी में आक्रोश रैली निकालकर पत्रकार आशुतोष नेगी और उनके साथियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इसी गांव के रहने वाले राजेश सिंह राजा कोहली का कहना है कि दलित समाज से जुड़े लोगों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, जिसके विरोध में पौड़ी शहर भर में रैली निकाली गई है। कोहली का ये भी कहना है कि पत्रकार आशुतोष नेगी और उनके गैंग के साथियों पर एससी एसटी और अन्य नियमों के तहत एफआईआर दर्ज होने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोहली का कहना है कि वह लंबे समय से अशासकीय विद्यालय में हो रही अनियमितता का विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते विद्यालय के प्रबंधक और कुछ लोग मिलकर उन्हें जाति सूचक शब्द कहने के साथ उन्हें डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने डीएम पौड़ी और एसएसपी से इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई थी। वही 5 जनवरी 2024 को एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इन सभी लोगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दलित समाज से जुड़े लोग एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम पौड़ी से मांग की जा रही है कि जल्द इन सभी लोगों की गिरफ्तारी हो। मेरी मांग ये है कि मैं इंटर कॉलेज जखेटी है उसका शिकायत करता हूं, और मैंने वहां पे प्रबंध समिति के चुनाव के संबंध में अनियमितताओं के संबंध में मैंने शिकायत की थी। लेकिन जो वहां के प्रबंधक है विमल नेगी जी के मित्र हैं आशुतोष नेगी जी, उन्होंने क्या किया कि सोशल मीडिया में पहले तो उन्होंने मुझे उस शिकायत से बाहर करने के लिए पूरा प्रयास किया। उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया में उन्होंने और उनके जैसे दीप मेठानी है या विकास मेठानी है या अंकित बिष्ट है, इन्होंने सोशल मीडिया में मेरे लिए अभद्र टिप्पणी की, और उसके बाद मेरे को पुलिस थाने में भी बुलाया और मुझे मानहानि के नोटिस भेजे। तो मैं इस शिकायत में करता गया। उसके बाद मैंने 3 मई 2022 को मेल के माध्यम से जिलाधिकारी कार्यालय और एसएसबी कार्यालय में शिकायत भेजी। फिर इन लोगों ने 28/7/2022 को अगरोड़ा बाजार में आके मेरी छाती में कट्टा रखा और मुझे जाति सूचक अभद्र टिप्पणी की और मुझे जानमाल की धमकी दी। तो मैंने 29/7/2022 को लिखित में शिकायत पौड़ी थाने में एसएसबी कार्यालय में डीएम कार्यालय में राजस्व क्षेत्र में की, लेकिन उसके बाद भी मेरी शिकायतों में कार्रवाई नहीं हुई। तो मैंने उसमें धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद जब धरना प्रदर्शन हुआ तो उनके ऊपर एफआईआर लिखी गई तो इनके लोग मुझे सोशल मीडिया में या फ़ोन के द्वारा मेरे को धमकियां दे रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि अब उस मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं, जबकि मेरी शिकायत 3 मई 2022 की और 29 जुलाई 2022 को मैंने लिखित में की है। तो ये क्या कर रहे हैं कि मेरे मुद्दे को ख़त्म करने के लिए और मेरी छवि को ख़राब करने के लिए कि ये फर्जी मुकदमा है और सरकार की छवि ख़राब करने के लिए ये उस मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं अंकिता हत्याकांड में, जबकि अंकिता के परिवारजनों के साथ मैं हूँ और उनके साथ मैं हमेशा रहूँगा। लेकिन आशुतोष नेगी और उनकी जो टीम है वो टीम मुझे मेरी छवि धूमिल करने के लिए गलत बयानबाजी कर रही है। आप यहाँ गिरफ्तारी की मांग को लेकर भी आए हैं? हाँ, तो मेरे 5 तारीख को मेरी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी वो खुलेआम घूम रहे हैं और मेरी छवि और अन्य सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं, और मैं ये चाहता हूँ उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अंकिता के परिजन भी लगातार ये कह रहे हैं कि उन पर जो ये मुकदमा है वो वापस लिया जाए। क्या नहीं, वापस कैसे? मैंने तो 3 मई, मेरे पास तो पूरा प्रूफ है कि 3 मई 2022 को मैंने लिखित में मेल में और 29 जुलाई 2022 को मैंने इनको लिखित में शिकायत दी है। अब उसके बाद मेरे अब ये लगा लो, मैंने 112 में भी उस दिन फोन की थी जिस दिन इन्होंने मेरे को धमकी दी। तो मैं ये चाहता हूँ कि इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, और जो ये लोग क्या कर रहे हैं कि मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मेरा जो मुद्दा है मेरा तो इन्होंने मेरा शोषण किया। तो आपने सुना, राजेश सिंह का कहना है कि उनकी छवि धूमिल करने के लिए आशुतोष नेगी गलत बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं पत्रकार आशुतोष नेगी का कहना है कि यह अनुसूचित जाति के राजेश सिंह राजा कोहली बीते 2 सालों से उनके और उनके परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत बातें लिख रहे थे, जिसकी शिकायत पौड़ी पुलिस को की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही फर्जी एससी एसटी का मुकदमा उन्हीं पर ही दर्ज कर दिया गया है। इसके अलावा आशुतोष नेगी राजेश कोहली पर मानहानि का भी केस कर चुके हैं। राजेश सिंह राजा कोहली ये अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और ये एक फर्जी कंप्लेंट मेरे खिलाफ दर्ज कराना चाहता था, और फर्जी कंप्लेंट ये पहले भी कई लोगों के खिलाफ दर्ज करा चुका है और कई लोगों को ये फंसा भी चुका है, और इसकी ये आदत है और ये कोई इसका रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है। ये पिछले 2 साल से फेसबुक पर मेरे खिलाफ
अनर्गल बातें मेरे परिवार के खिलाफ, अनर्गल बातें मेरे मित्रों के खिलाफ, अशोभनीय टिप्पणियां मेरे परिवार, मेरे स्वर्गीय पिताजी, मेरी पत्नी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां करता रहा, जिसकी मैंने एक FIR कंप्लेंट भी थाना पौड़ी में दी थी, जिस पर एज यूजुअल पौड़ी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद मैंने इसकी सूचना तमाम बड़े अफसर जो पुलिस विभाग के हैं, DGP से लेके तमाम लोगों को दी, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को दी, जिस पर अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने एक चिट्ठी SSP पौड़ी और DM पौड़ी को भेजी, लेकिन ना SSP पौड़ी ने संज्ञान लिया ना DM पौड़ी ने संज्ञान लिया। उसके बाद इस व्यक्ति के हौसले बुलंद होते रहे और ये पिछले दिनों इसने कहा कि आशुतोष नेगी और उसके तमाम गैंग के खिलाफ मैं धरने पर बैठूंगा। ये एक दिन के लिए SSP ऑफिस के पास वहाँ धरने पर भी बैठा और कल ये पता चला है कि कल जो है एक FIR जो मेरे खिलाफ, ये चाह रहा था कि एक फर्जी मुकदमा मेरे खिलाफ काम कायम हो जाए, एक SC ST का मुकदमा कि मैंने उस व्यक्ति के लिए अनुसूचित जाति के शब्दों का प्रयोग किया, इस तरह की एक FIR पौड़ी थाने में मेरे खिलाफ दर्ज हो गई है। तो ये पहला पुरस्कार दिया है धामी सरकार ने मुझे, और मुझे तो ये भी लगता है कि जो व्यक्ति राजेश सिंह राजा कोहली है, इसके जो फेसबुक पे जो कमेंट आते हैं उसमें साफ तौर पे दिखाई देता है कि ये शिक्षा विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा प्रायोजित है। अब देखना होगा कि मामले की सच्चाई क्या निकल कर सामने आती है। पौड़ी से सिद्धांत उनियाल की रिपोर्ट।